शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर इनसाइड रिव्यू सामने आ जा चुका है। फिल्म 25 जनवरी के दिन दस्तक देने जा रही है और इस मूवी को लेकर बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू सामने आई है, जिसे सुनने के बाद आप लोग भी बोलेंगे वेलकम भाई वेलकम। इस तरह की तबाही तो आप ही मजा सकते हो और ऐसा स्टोरी सिर्फ आप ही ला सकते हो। तो बात करते हैं सीधी फिल्म के रिव्यू के बारे में। आपको जानकारी देना चाहूंगा कि फिल्म पठान में शाहरुख खान जिस तरह से नजर आते हैं, जिस किरदार में नजर आते हैं, आखिरकार ये किरदार उनके अलावा बॉलीवुड के कोई भी एक्टर पर फिट नहीं बैठता। पठान की स्टोरी लाइन की बात करें तो पठान की स्टोरी लाइन बहुत ही यूनिक है। मतलब आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि हर एक सीन पर ऐसा ट्विस्ट है, ऐसा टर्न है, जहां पर इस फिल्म की बहुत सारी चीजों को लेकर बदलाव होता है। फिल्म की स्टोरी लाइन में ऐसी बदलाव हो जाता है जो आप लोग देखकर कहीं ना कहीं शॉक्ड होने वाले हैं। शाहरुख खान के साथ हर जगह पे धोखा मिलता है, वो अपने फैमिली को भी खो देते हैं। मतलब इतनी ज्यादा वो मुश्किलों से घिरे रहते हैं। फिल्म सॉलिड सस्पेंस से भरा है, मतलब पूरी तरह से लोडेड सॉलिड से सस्पेंस से भरा है। एक्शन तो फुल्ली लोडेड है, जो आज तक यूनिक जो एक्शन होता है, मतलब जो अभी तक बहुत सारे फिल्मों में देखते होंगे एक ही तरह के एक्शन करते हुए नजर, ऐसा नहीं बल्कि इसमें यूनिक एक्शन रखे गए हैं। मतलब यूनिक सीन के साथ यूनिक एक्शन आप लोग को देखने को मिलने वाली है, जो आप लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आपको बताना चाहूंगा, जो आप लोग ने अभी तक टीजर देखा, ट्रेलर देखा फिल्म से रिलेटेड, जी हाँ, पूरी फिल्म का 1% भी सही तरीकों से आपको नहीं दिखाया गया है। सोच सकते हैं, मतलब 1% भी सही तरीकों से नहीं दिखाया गया है पूरी फिल्म में से। अभी तक टीजर आया, सॉन्ग्स आए, ट्रेलर आए, मगर आप लोग ने पूरी तरह से सोचा नहीं होगा कि कहानी किस मोड़ पे है। भाई इसको लेकर मैं स्पॉइलर नहीं कर सकता हूं, मगर ये कह सकता हूं कि फिल्म जो रिकॉर्ड तोड़ेगी वो कोई नहीं तोड़ पाएगी। बाकी यह बॉलीवुड जैसा फिल्म नॉर्मली नहीं है बिल्कुल। जहां तक जो रिव्यू में लिखा हुआ सामने आया है, जिसमें यह साफ साफ कहा गया है कि बॉलीवुड जैसा नॉर्मल फिल्म नहीं है, बल्कि हॉलीवुड का जो फिल्म होता है वैसा फिल्म है। बताना चाहूंगा इस मूवी को लेकर जो रिव्यूस आई है, इनसाइड रिव्यू सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है, यह मेंशन किया गया है, जो वो जब फिल्म देखने बैठे तो फिल्म देखते वक्त यही सोच रहे थे कि भाई ये बॉलीवुड का फिल्म है या हॉलीवुड का फिल्म है। ये चीज कंफ्यूजन हो गए, मतलब ये सोच में पड़ गए कि भाई ऐसा बॉलीवुड वाले फिल्म कैसे बना सकते हैं। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी ज्यादा हैवी स्टोरी लाइन के साथ इतनी गजब की सीन पेश की गई है, जो एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। कौन सी सीन पर कौन सा डायलॉग रखना है, कहाँ पे क्या, जहाँ तक बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए, किस तरह की थीम होनी चाहिए, किस तरह की आखिरकार इसमें कलर ग्रेडिंग होनी चाहिए, सारा चीज मेंशन किया गया है। मतलब इतनी ज्यादा बारीकी से काम की गई है इस पर। वीएफएक्स तो भाई आउटस्टैंडिंग है। मतलब आप जब फिल्म देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि भाई यह फिल्म नहीं बवाल है, सैलाब है। मतलब इस फिल्म को लेकर आप बिना 5 में से 5 रेटिंग दिए बिना नहीं निकलेंगे सिनेमाघरों में। आप जब बैठेंगे सिनेमाघरों में तो आपकी सीटियां तालियां की सिर्फ गुनगुनाहट सुनने को मिलेगी हर एक सीन पर। मतलब समझते हैं कि नहीं, इतनी ज्यादा पावरफुल फिल्म और फुल्ली अपग्रेड मूवी है। मतलब कह सकते हैं पठान जो अपग्रेड इस बार हुआ है वो बेहद कमाल का है। कहीं ना कहीं बॉलीवुड सोची सो छोड़ दीजिए, साउथ छोड़ दीजिए, हॉलीवुड के टक्कर का ये फिल्म जहां तक साबित हुई है। जिस सीन के साथ, जिस स्टोरी लाइन के साथ, जिस कैरेक्टर के साथ पेश की गई है फिल्म, मतलब कह सकते हैं भाई ने, मैं आप लोगों को बताया हूं, मतलब अपग्रेड जो होता है ना, जिसमें क्या होता है, जो पिछले जितने भी हैं पुर्जे हैं उसमें बदलाव किए जाते हैं, उसमें हर चीज में बदलाव किया जाता है। वैसे जहां तक शाहरुख खान पठान में बहुत सारी चीज को लेकर बदलाव किया गया है, खासकर इसमें पठान शाहरुख खान छोड़िए, दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, जिसके सीन आप लोग भाई सोचेंगे नहीं। और इसमें जहां तक आप लोग जिस एक्टर को विलन मान रहे हैं, वो एक्टर विलन है ही नहीं, बल्कि उनके साथ कुछ और ही कहानी है। मतलब कहानी में कहानी छुपा हुआ है, ऐसी फिल्म का स्टोरी लाइन है। सीधी लैंग्वेज आप लोग को समझा दिया हूं, बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं। आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि इस फिल्म को लेकर बहुत अच्छे खासे प्यार मिल रहा है। रेटिंग के मामले में कहिएगा तो 5 में से 4.5 की रेटिंग मिली है ऑलरेडी, हर जगह हरी झंडी दे दी गई है। फिल्म को लेकर बहुत ही गजब की पॉजिटिव रिएक्शन सामने आई है। फुल्ली अपग्रेड, फुल्ली लोडेड स्टोरी लाइन, लाजवाब, सॉलिड, कमाल, धमाल, बवाल, जितना कहें वो चीज है इस फिल्म को लेकर। तो भाई इनसाइड रिव्यू इतनी शानदार सामने आई है। ओवरऑल मैं आप लोग को आगे भी अपडेट देने वाला हूं, तो कंटिन्यू आप लोग बने रहे। कैसा लगा ये अपडेट जरूर बताते जाइएगा। फिल्म के लिए क्या आप टिकट बुक किए हैं, नहीं किए हैं, तो जाइए फटाफट टिकट बुक कीजिए, बुक माई शो, पेटीएम या ऑफलाइन भी जाके आप लोग सिनेमाघरों में जाके बुक कर लीजिए, क्योंकि टिकट नहीं मिलेगा तो समझिए भाई बहुत बड़ी बात। मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा।